Hello everyone. So today we are going to know some of the meaning of the English phrases. So हम कुछ English phrases जो कि past से start होते हैं उनका हिंदी meaning और वो कब use किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे. So first phrase is pass on. Pass on means actually जब आप किसी की death को symbolize करते हो in a sentence but not in a rude way, and आप इसको तब भी use कर सकते हो when you want to convey some information to others, means you are going to pass on the information. Second phrase is pass out. Pass out का मतलब हिंदी में होता है बेहोश होना. So कोई अगर faint हो जाता है तो इस phrase को हम use करते हैं. थर्ड फ्रेज है इंग्लिश में पास थ्रू. पास थ्रू का मतलब जब हम कहीं से मूव कर रहे होते हैं थ्रू रोड या एनीथिंग, जब हम ट्रांजिट में होते हैं तब हम इस इंग्लिश फ्रेज का यूज़ करते हैं. फोर्थ वन इज़ पास अवे. दिस इज़ द मोस्ट ईजी वन. पास अवे का हम बेसिकली यूज़ डेथ में ही करते हैं और पास अवे का मतलब सिर्फ एक ही होता है, दैट इज़ डाई. यानी किसी भी पर्सन की डेथ में हम ये फ्रेज को यूज़ करते हैं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.